Hello student, today I will explain the seven S's of man from poetry, third chapter of 9th class. This poem composed by William Shakespeare. At first I will brief about the poet, okay, and I will explain line by line in Hindi. Let us start. About the poet, William Shakespeare was born at Stamford-on-Avon in April 1564. विलियम शेक्सपियर जो रचयिता है इस पोएम के, उनका जन्म स्टेटफोर्ड ऑन एवन में 1564 अप्रैल में हुआ था. ये जो एवन आप देख रहे हैं, ये एक रिवर है जो कि इंग्लैंड में है. ही इज़ नॉट मेयरली द ग्रेटेस्ट पोएट बट ऑल्सो ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट. जो विलियम शेक्सपियर हैं वो केवल पोएट नहीं, केवल कवि नहीं थे, बल्कि वो एक बहुत महान, बहुत बड़े नाटककार भी थे. मतलब कि वो नाटक भी लिखते थे. ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के. ही वॉज ऑल्सो वर्कड इन थिएटरल कंपनी एंड एक्टेड इन सम प्लेस. ही डाइड इन हिज विलेज इन 1616. ही ऑल्सो वर्कड इन थिएटरल कंपनी, यानी कि उन्होंने नाटक तो लिखे ही, उन्होंने एक्टिंग भी की. जो थिएटर कंपनी होती हैं, जो नाटक कंपनी है, उसमें उन्होंने एक्टिंग भी की, यानी कि कुछ प्लेज में उन्होंने वर्क किया एज ए एक्टर. ही डाइड इन हिज विलेज इन 1616 और अपने गांव में 1616 में उनकी डेथ हो गई. नेक्स्ट अबाउट द पोएम. द स्पीच कंपेयर्स द वर्ड टू अ स्टेज एंड लाइफ टू अ प्ले. विलियम शेक्सपियर कहते हैं, इस पोएम को उन्होंने यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब किया है और इसमें उन्होंने बताया है कि जो मनुष्य होता है उसके जीवन की सात अवस्थाएं होती हैं, यानी कि वो जो अपनी लाइफ उसकी होती है उसमें वो सात रोल प्ले करता है. सात अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, उनको उन्होंने जो किस तरीके से कैटेगराइज किया है वो यहाँ पर उन्होंने ब्रीफली बताया है और इसी को हम डिटेल में इस पोएम में पढ़ेंगे. तो कहते हैं पोएट, द स्पीच कंपेयर्स द वर्ड टू स्टेज, यानी कि जो ये वर्ड यानी ये संसार है, ये स्टेज है. मतलब कि एक रंगमंच जहाँ पे नाटक होते हैं, तो ये संसार एक रंगमंच है. एंड लाइफ टू अ प्ले, और जो जीवन है वो नाटक है, जो जीवन चल रहा है वो नाटक है. एंड कैटलॉग द सेवन स्टेज ऑफ मैंस लाइफ सम टाइम रेफर टू एज अ सेवन एजेस ऑफ मैन. उन्होंने कैटलॉग होता है सूची, तो उन्होंने जो मनुष्य की लाइफ है, जो जीवन है, उसको उन्होंने सेवन अवस्थाएं बताई हैं. तो कौन सी वो सेवन अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं, कैसे उन्होंने कैटेगराइज किया है, देखिए आप. सम टाइम रेफर्ड एज द सेवन एजेस ऑफ मैन, क्या है, कैसे हैं वो सेवन एजेस. इन्फेंट, यानी कि जब मनुष्य का जन्म होता है, जब वो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको इन्फेंट बोलते हैं. स्कूल बॉय, उसके बाद वो स्कूल बॉय होता है, फिर लवर बनता है, देन सोल्जर एक सिपाही बनता है, जस्टिस न्यायाधीश होता है, उसके बाद उसकी ओल्ड एज आती है, एंड फेसिंग इमिनेंट डेथ, और एट लास्ट उसकी डेथ होती है. ओके, तो अब इसी इन्हीं स्टेज को हम डिटेल में पढ़ेंगे इस पोएम में. ओके, All the world is a stage, and all the men and women merely pair. They have their exist and entrances, and one man in his time play many parts. क्या कहना चाहते हैं, वो कहते हैं कि जो ये संसार है वो एक रंगमंच है, यानी कि नाटक का स्टेज है. ये पूरा संसार एक स्टेज है. एंड ऑल मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, और जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी आदमी हैं, औरत हैं, मेयरली मीन्स होता है केवल, केवल प्लेयर्स हैं. यानी प्लेयर्स मतलब खिलाड़ी होता है, प्लेयर्स मीन्स, तो खिलाड़ी इन द सेंस कि जो वो अपना रोल जो वो प्ले कर रहे हैं, सभी जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग अपने अपने रोल को यहाँ पर प्ले करने वाले प्लेयर्स. They have their exist and entrances, यानी कि उनके आने का, entrance means enter करना, exit मतलब बाहर जाना. तो कहने का मतलब उनके जो नाटक जहाँ पे होता है, जो रंगमंच होता है, तो उसमें exist
होता है और एंट्रेंस होता है, जहाँ से कि जो एक्टर होते हैं वो इंटर करते हैं और फिर उनका रोल पूरा होने के बाद वो फिर एग्जिट करते हैं, यानी बाहर जाते हैं। तो उसी तरीके से इस संसार में लोगों का वक्त तय है, वो अपने टाइम पे आते हैं और अपने टाइम पे जाते हैं अकेले। ओके, तो दे हैव, ये जो दे वर्ड यूज़ हुआ है ये इनके ही लिए हुआ है, मेन्स और वेमेंस के लिए। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्ले मेनी पार्ट, और एक व्यक्ति, जैसे कि विलियम शेक्सपियर ने बताया कि एक ही व्यक्ति की जो जीवन है, एक व्यक्ति का जीवन, उसमें 7 रोल वो प्ले करता है, तो कई पार्ट, वही यहाँ पे कह रहे हैं कि एक मनुष्य अपने जीवन में कई पार्ट प्ले करता है, कई रोल प्ले करता है। हिज एक्ट बींग 7 एजेस, तो जो उसकी एक्टिंग होती है, जो वो एक्ट करता है, वो 7 अवस्थाओं में है, डिवाइड बताई गई हैं, उसकी 7 अवस्थाएं बताई गई हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट, तो जो पहली अवस्था है वो शिशु की है, जब वो बच्चा बॉर्न होता है, जब उसका जन्म होता है। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेस आर्म, आर्म मतलब होता है बाहें, भुजाएं, एंड प्यूकिंग वॉमिटिंग यानी कि उल्टी करना। म्यूलिंग, ये जो म्यूलिंग वर्ड है, देखिए एक बात मैं और ये कहना चाहूँगी कि इस लेसन में इस तरीके के बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आएंगे जो थोड़े से कन्फ्यूजनेबल लगेंगे, या ऐसे लगेंगे कि ये थोड़े से स्ट्रेन से हैं। तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इस तरीके के वर्ड आज जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश है उसमें हम यूज़ नहीं करते हैं। ये इस तरीके के वर्ड्स पहले की इंग्लिश पोएट्री में यूज़ होते थे। बेसिकली ये जो पोएम है ये भी बहुत साल पहले की है, 1 साल 2 साल या 10 ईयर 12 ईयर ओल्ड नहीं है, ये काफ़ी पुरानी पोएम है। तो इस वजह से ये उस वक्त में इस तरीके के वर्ड्स यूज़ होते थे, और अभी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे तो मैं उसको क्लियर करते चलूँगी। तो जैसे कि म्यूलिंग है, तो म्यूलिंग मीन्स जैसे कि कैट की वॉइस, बिल्ली की आवाज़, आज की इंग्लिश में इसको बोलते हैं। ओके, तो जो फर्स्ट स्टेज है बच्चे की, शिशु की है, वो क्या करता है, जब वो क्राई करता है, रोता है, तो उसमें बिल्ली जैसी आवाज़ आती है, एंड प्यूकिंग उल्टी करता है नर्स की बाहों में, भुजाओं में, जो बच्चा होता है वो ऐसे रिएक्ट करता है। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विद हिज सेचुअल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल। ओके, तो क्या कह रहे हैं कि देन उसके बाद वाइनिंग स्कूल बॉय यानी कि कंप्लेनिंग बॉय, जब बच्चा, इस बच्चे को आप स्कूल भेजिए तो वो बहुत क्राई करेंगे कि मैं नहीं जाऊंगा, मना करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि स्कूल नहीं जाना है, तो फिर वो क्या बनता है, स्कूल बॉय बनता है। विद इज सेचल यानी कि अपना बस्ता, अपना जो थैला होता है, स्कूल का बैग होता है, उसको उसके साथ, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और बहुत खूबसूरत चमकते हुए फेस के साथ, क्योंकि जो चाइल्ड होता है, जो शिशु होता है, उसका फेस वैसे भी बहुत ज़्यादा मतलब क्यूट होता है, तो अपने बैग के साथ और बहुत खूबसूरत क्यूट से फेस के साथ, क्रीपिंग लाइक स्नेल, स्नेल होता है एक जिसको बोलते हैं घोंघा, घोंघा एक होता है जो कि वो अपने पेट के बल चलता है, मतलब तो वो बहुत स्लो, उसका जो, उसकी जो स्पीड है चलने की वो बहुत स्लो होती है। क्रीपिंग मतलब रेंगना, जैसे कि रेंग रहा हो, तो वही बताना चाह रहे हैं कि वो स्कूल नहीं जाना चाहता है, अपने बस्ते के साथ, बहुत खूबसूरत क्यूट से फेस के साथ, क्रीपिंग ऐसे चल रहा है जैसे रेंग रहा है, घोंघा की तरह। अनविलिंगली टू स्कूल, बहुत ही अनिच्छा के साथ वो स्कूल जा रहा है, बहुत धीरे धीरे, अनिच्छा मतलब बिना मन से जा रहा है स्कूल। एंड देन द लवर, तो स्कूल बॉय के बाद फिर कौन सी स्टेज आई, लवर की, प्रेमी की। साइन लाइक फॉनेस, साई होता है आह भरना या लंबी सांस लेना, लाइक फर्नेस मतलब भट्टी, आग की भट्टी, तो जो लवर होता है वो बहुत लंबी लंबी सांसें लेता है आग की भट्टी की तरह। विद अ वोफुल बैलेड, वोफुल होता है बहुत दुख भरा, एंड बैलेड मतलब गीत। ओके, तो वो बहुत लंबी लंबी सांसें, गहरी गहरी सांसें लेता है, विद वोफुल बैलेड, और बहुत दुख भरा गीत गाता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, आईब्रो मीन्स पता है आपको कि भौंय होता है, मिस्ट्रेस बिलव्ड प्रेमिका, तो जो लवर है वो
बहुत दुख भरा गीत गाता है और उसने गीत को डेडिकेट किया है अपनी प्रेमिका की आईब्रो पे, जो उसने गीत बनाया है। तो ये गीत उस डेडिकेट है उसकी मिस्ट्रेस की आईब्रो पर, ठीक है। उसने अपनी प्रेमिका की आईब्रो पर के लिए, उसकी खूबसूरती के लिए बहुत अच्छा गीत बनाया है और उसको बहुत दुख के साथ वो गा रहा है। देन अ सोल्जर, तो लवर की बात जो स्टेज आई तो फिर वही बच्चा क्या बनता है, सोल्जर, एक सिपाही बनता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, ओथ मतलब होता है कसम, एंड बियर्डेड लाइक अ पार्ट, ठीक है। बियर्डेड होता है दाढ़ी, और देखिए ये फिर पार्ट आया, पार्ट मीन्स तेंदुआ होता है, जो कि ओल्ड इंग्लिश में यूज़ होता था ये वर्ड, और आज जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें पार्ट को हम लेपर्ड बोलते हैं, ठीक है। तेंदुआ होता है इसके मीन। तो जो सोल्जर होता है वो बहुत ही अजीब अजीब व गरीब कस्ट में ले लेना, क्योंकि उनमें बहुत जोश होता है, बहुत एक्टिवनेस होता है, स्पोर्टिव होते हैं वो। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ट, और जो उनकी दाढ़ी होती है वो तेंदुए की तरह होती है, जैसे कि तेंदुए की लेपर्ड की होती है, उसी तरीके से इनकी दाढ़ी होती है। जेलस इन ऑनर सेरन एंड क्विक इन क्वेरल, तो क्या सोल्जर की क्वालिटीज़ होती हैं जब वो सोल्जर बनता है, तो जेलस इन ऑनर, अपने सम्मान के लिए बहुत ही उसके मन में जेलस होता है, ईर्ष्या, ऑनर सम्मान, सडन अचानक, क्विक जल्दी, क्वेरल झगड़ा, सीकिंग खोजना ढूंढना, बबल्स यानी कि वो पानी के जो बुलबुले होते हैं, रेपुटेशन प्रतिष्ठा, ओके। तो वो अपने सम्मान के लिए बहुत ईर्ष्यालु हो जाता है, बहुत ही जल्दी झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है, कोई भी बात हो, छोटी सी भी बात के लिए भी वो झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है। शेकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनॉन माउथ, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो पानी का बुलबुला होता है बहुत आता है चला जाता है, तो उस तरीके की प्रतिष्ठा, यानी कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है कि अभी आया अभी चला है, बहुत छोटी सी बात को भी प्रतिष्ठा बना करके उसके लिए भी वो लड़ने के लिए तैयार है। और यहाँ तक, इवन मतलब यहाँ तक कि वो कैनॉन्स माउथ, कैनॉन्स मतलब तोप के मुंह में जाने के लिए तैयार है, इतना एग्रेसिव है वो अपनी रेपुटेशन को लेके, अपनी प्रतिष्ठा को लेके। एंड देन द जस्टिस, तो जो ये बहुत एग्रेसिव और यंग एंग्री मैन की इमेज थी सोल्जर, वो अब चेंज होकर किस स्टेज में आई, जस्टिस। अब वो क्या बना, जस्टिक, एक न्यायाधीश, एक न्याय करने वाला। इन फेयर राउंड वैली विद गुड कैपन लाइंड, तो इन फेयर राउंड वैली मतलब उसका जो स्टमक है वो बहुत बाहर निकला हुआ होता है, बहुत बहुत जैसे पेट बहुत बाहर नहीं निकला हुआ होता है, वैसे ही बहुत बाहर निकला हुआ है। विद गुड कैपन लाइंड, तो ये कैपन वर्ड देखिए फिर आता है, जो ओल्ड इंग्लिश में इसको मुर्गे के लिए यूज़ करते थे, मुर्गा, तो मतलब उसकी जो स्टमक है वो बाहर है क्योंकि उसने बहुत सारे मुर्गों को खाया है, तो इस वजह से उसकी टोन कह सकते हैं बाहर निकली है और उस पर बहुत सारी लाइंस उभरी हुई देखती हैं। विद आईज सेवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंस, तो देखिए यहाँ पे सेवियर जो है वो सीरियस गंभीर, बियर्ड वही दाढ़ी, फॉर्मल बहुत ही नॉर्मल मतलब कट, एंड सॉस जो है वो मुहावरे कहावते, मॉडर्न इंस्टेंस एग्जांपल्स। तो क्या कहते हैं कि अब जब वो जस्टिस हो गया है तो उसकी आंखों में बहुत सीरियसनेस दिख रही है, बहुत गंभीरता है, एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, तो अभी जो दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी थी उसकी पार्ट की तरह, लेपर्ड की तरह, अब वही दाढ़ी बहुत फॉर्मल हो गई है, बहुत फॉर्मल कट है, ठीक है। फुल ऑफ वॉइस सॉस, बहुत सारी कहावतों के साथ, मुहावरों के साथ, और बहुत सारे आधुनिक एग्जांपल्स उदाहरण को वो देने वाला हो गया है, बहुत मतलब जब भी कुछ वो जस्टिस कर रहा है या उस तरह की बात कर रहा है तो उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स देता है और कहावतें और मुहावरों को यूज़ करता है। एंड सो ही प्ले हिज पार्ट, और इस तरीके से वो इस पार्ट को अपने प्ले करता है, यानी कि अपने इस रोल को पूरा करता है। द सिक्स एज शिफ्टेड, अब जो छठी एज अवस्था है वो शिफ्ट होती है, किस में शिफ्ट होती है, शिफ्ट होती है वो इनटू द लीन
एंड स्लीपर पेंटलून, यानी कि जो सिक्स एज है वो शिफ्ट होती है किसमें, लीन मतलब होता है दुबला पतला, एंड स्लीपर पैरों की जो स्लीपर होती है, एंड पेंटलून ओल्ड एज कह सकते हैं कि ओल्ड, वही ओल्ड इंग्लिश में यूज़ होता था ये वर्ड, क्योंकि अभी तो इस वर्ड्स को कम यूज़ करते हैं, तो पेंटलून ओल्ड एज से यहाँ पर है मतलब उनका। तो जो सिक्स एज है वो शिफ्ट होती है एक बहुत दुबला पतला पैरों में स्लीपर पहने हुए बहुत ओल्ड एज, एंड विद स्पेक्टल्स ऑफ नोज एंड पाउच ऑन साइड। तो विद स्पेक्टल्स यानी कि उसकी नोज पे चश्मा चढ़ा हुआ है, एंड पाउच ऑन वन साइड, पाउच से मतलब बटुआ, और जो एक बटुआ है पैसे का मनी का वो एक साइड में लटका हुआ है। हिज यूथफुल होस वेल सेव्ड अ वर्ड टू वाइड, यानी कि देखिए जब वो यंग था, यानी कि अपने यंग टाइम में जब वो यंग था, होस पजामे, ये वर्ड भी देखिए, अब होस जो है वो ओल्ड इंग्लिश में यूज़ होता था जिसका मतलब है पजामा। वेल सेव्ड अ वर्ड टू वाइड, यानी कि जब यंग एज में था और जब वो उसने बहुत सारे पजामे बनवाए थे, बहुत सारे पजामे बना करके उनको उसने सेव करा, मतलब था जो कि वो तब, अब जो है वो पजामे उसके जो सेव बने रखे हैं वो यूज़लेस हो गए हैं। तो वो क्यों यूज़लेस हो गए हैं वो हमें देखना है इसमें कि वो पजामे यूज़लेस क्यों हो गए हैं। फॉर हिज श्रंक शैंक, तो क्या मतलब है श्रंक, मतलब सिकुड़ा हुआ, शैंक पैर टांगे, तो वो जितने भी पजामे सेव्ड हैं बनवाए गए थे वो अब इसलिए क्योंकि उसके जो पैर हैं वो बिल्कुल सिकुड़ से गए हैं और बहुत दुबले पतले हो गए हैं, तो अब वो पजामे उसमें फिट नहीं होते हैं, और उस वक्त में अपनी यंग एज में वो बहुत बहुत हट्टा कट्टा और चुस्त दुरुस्त था, तो उस वक्त में वो बहुत उसको फिट होता था। एंड हिज बिग मेनली वॉइस टर्निंग अगेन टुअर्ड चाइल्डिश टेरिबल पाइप्स एंड विशल इन द साउंड, अब देखिए क्या कह रहे हैं कि जो उसकी वॉइस थी यंग एज में बहुत पावरफुल थी, बहुत उसमें एक्टिवनेस थी, बहुत जोश था, वो किस में टर्निंग बदल गई, किस में चेंज हो गई, फिर से वो अगेन दोबारा हो गई है चाइल्डिश, एक बच्चों की तरह। टेरिबल पाइप्स, देखिए ये जो टेरिबल, ये पाइप्स जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे स्कॉटलैंड में यूज़ किया जाता है, बहुत बड़ा थैले टाइप होता है जिसमें बहुत सारी पाइप्स होती हैं, तो ये उसमें से जो वॉइस आती है, तो उसकी जो वॉइस होती है वो चाइल्डिश और इस इंस्ट्रूमेंट के पाइप से जो वॉइस आती है इस तरीके से। एंड विसल इन अ साउंड, या कह सकते हैं कि जैसे सीटी बजती है तो सीटी में जो साउंड आता है उस तरीके से उसकी वॉइस हो गई है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, और जो अंतिम है उसकी स्टेज, जो अंतिम है सीन है नाटक का, नाटक यानी कि जो अंतिम अवस्था है, दैट इन दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, क्या होता है उसमें कि जितनी भी स्टेज अभी आपने पढ़ी स्टार्ट से इन्फेंट टू अभी ये जो ओल्ड एज आई, यहाँ तक कि जो भी स्टेज थी, जो भी इतिहास था, जो भी मतलब प्राउडफुल बहुत ही अच्छा उसकी हिस्ट्री थी, उसका क्या हुआ, वो ख़त्म हो गई, अब वो एंड हो गया उसका। इन सेकेंड चाइल्डनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन, सेंस टीथ, सेंस आइज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग, तो देखिए अब क्या कहते हैं कि अब दोबारा से फिर वही बचपना, बचपन आ गया, मेयर वही केवल, ऑब्लिवियन मीन्स होता है भूल जाना, विस्मृति, ओके, तो ऑब्लिवियन मीन्स होता है भूल जाना, किसी चीज़ का को याद ना रखना, तो अब वो फिर से वही बचपन आ गया, जबकि कुछ भी अब सब कुछ माइंड से जा चुका है, कुछ भी उसमें नहीं रह गया, सब भूल चुका है। सेंस होता है विदाउट, अ फ्रेंच वर्ड मीनिंग विदाउट, जैसा कि आपकी ग्लॉसरी में दिया भी हुआ है कि सेंस मीन्स अ फ्रेंच वर्ड मीनिंग विदाउट, इसका मीन्स है कुछ नहीं, तो यानी कि अब दांत नहीं है, आइस से भी नहीं दिख रहा है, टेस्ट का भी कुछ नहीं है, पता नहीं चल रहा है, सेंस एवरीथिंग, तो अब कुछ भी, सब कुछ मतलब कुछ नहीं रह गया, सब कुछ ख़त्म हो गया है, फिर से एक बार जो न्यू बॉर्न बेबी वाला स्टार्ट हुआ था वही फिर से हम ज़ीरो पे आ गए, ठीक है, तो अब फिर से हमारी वही स्टेज आ गई। तो इस तरीके से जो सारी स्टेज हैं वो कंप्लीट हुई। होप आपको ये जितनी भी विलियम शेक्सपियर ने एक मनुष्य की स्टेज बताई हैं
तो आपको ये लाइंस क्लियर हुई होंगी, ये स्टेज क्लियर हुई होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी इश्यू देन कमेंट मी, ओके। एंड नेक्स्ट लेसन के साथ मैं फिर हाजिर होती हूँ। टिल देन गुड बाय।